हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वापस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, बेसिकली है तो 11th क्लास के लिए, लेकिन इसका जो यूज है वो एमबीए वाले बच्चों के लिए भी है, बीबीए वाले बच्चों के लिए भी है, बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी है, सीपीटी वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि ये अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं। यानी कि इसको जाने बिना कोई भी व्यक्ति अकाउंट्स के बारे में ये नहीं कह सकता कि मुझे अकाउंट आता है। यानी कि ये जो गलतियां हम करते हैं, कुछ चैप्टर्स हैं हमारे पास रेटिफिकेशन ऑफ एरर जो हम 11th क्लास में आगे पढ़ेंगे, उसमें गलत होने का बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स की सही नॉलेज का ना होना। तो हम यहाँ पर अकाउंट के प्रिंसिपल्स को समझेंगे। इससे पहले मैंने बहुत कुछ बातें आपको बताई, चाहे वो डेफिनेशन थी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव थे, चाहे क्या मैंने हमारे पास लिमिटेशंस थी, लेकिन आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स किसी भी चीज के बारे में आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आपको गाइडलाइंस देते हैं कि वो है क्या। यानी किसी भी चीज को समझने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो प्रिंसिपल्स का होता है। जनरली हम कहते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति के प्रिंसिपल्स कैसे हैं, उसके थ्रू हम जान पाते हैं उस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा होगा, किस तरीके से वो वर्क करता है, व्यक्ति ईमानदार है, बेईमान है, फ्रॉड है, ये सब चीजों के बारे में पता कैसे चलता है, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। यानी अकाउंट्स को समझना है तो हमें अकाउंट के प्रिंसिपल्स को समझना होगा। अकाउंट के प्रिंसिपल्स को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक बांटा है कन्वेंशन और एज्यूम्पशंस और दूसरा बांटा है कंसेप्ट। कन्वेंशंस जो विचार है हमारे पास कि जिनको फॉलो करते हुए हमें अकाउंट को फॉलो करना है, तो उसमें एक है हमारे पास गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न यानी कि जब भी हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं, जब भी हम अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे और एनालाइज करेंगे, तो माइंड में एक बात आपको हमेशा कंसिडर करनी पड़ेगी अकाउंट बनाते समय कि गोइंग कंसर्न यानी बिजनेस चलता रहेगा, कंटिन्यू। व्हेनेवर वी मेंटेन आवर अकाउंट वी हैव टू कंसिडर इन आवर माइंड दैट कि बिजनेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। अकाउंट्स क्लोज होंगे लेकिन बिजनेस क्लोज नहीं होगा, इस एजम्पशन को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, कंसिस्ट एक जगह ठहर जाना, रुक जाना। यानी कि यहां पर जो कंसेप्ट बताता है कंसिस्टेंसी का कि एक जगह रुक गए, यानी कि अकाउंट में जब हम कोई मेथड फॉलो करते हैं तो परमानेंट उसी मेथड को लगातार फॉलो करते रहते हैं। जैसे हम अभी आगे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जो असेट्स होती हैं हमारी वो धीरे धीरे घिसती रहती है, जो फिक्स असेट्स है तो उन्हें हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन है उसको लगाने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, तो जो मेथड हम एक बार फॉलो करते हैं फिर उसी मेथड को लगातार फॉलो करते रहते हैं। जैसे अकाउंट बनाने के दो मेथड है, एक्रुअल और कैशलेस, तुम जिस मेथड को एक बार फॉलो करते हैं उसी को कंटिन्यू फॉलो करते रहते हैं, कंसिस्ट यानी रुक जाना। तीसरा है हमारा एक्रुअल, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है अकाउंट के कंसेप्ट में, एक्रुअल यानी कि चाहे वो एक्सपेंसिव हो चाहे वो इनकम हो, दोनों के लिए ही इस एक्रुअल कंसेप्ट का यूज है। यानी कि जब भी आप कभी अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, उनको कंसिडर करेंगे, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंसिव हो। तो एक्रुअल का मतलब है कि अगर कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, यानी कि हर बात को आपको कंसिडर करना पड़ेगा जिससे कि बिजनेस की सही पिक्चर हमारे सामने आ सके। तो इसी के वे में हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे पास है कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इनको समझना ही होगा। एक एक कंसेप्ट बहुत इंपोर्टेंट है। सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी। एंटिटी नाम सुना है आपने, आइडेंटिटी, एंटिटी अस्तित्व, मेरा अपना अस्तित्व है, यानी कि एवरी इंडिविजुअल हैव सेपरेट आइडेंटिटी। तो इसी सेंस में हम कहते हैं एंटिटी अस्तित्व, थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है एंटिटी का, कि आइडेंटिटी से भी ज्यादा स्पेशल होता है एंटिटी। तो बिजनेस की अपनी एक सेपरेट एंटिटी है, यानी कि बिजनेस को करने वाले भी बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, यानी कि ये बहुत है द सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट एंटिटी। यानी कि अगर बिजनेसमैन हमारे बिजनेस में, यानी कि बिजनेस है और उस बिजनेसमैन कुछ मनी या कुछ पैसा या कुछ असेट्स इंट्रोड्यूस करता है, तो हम अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे।
एंड वाइस वर्सा, यदि बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, निकाल कर ले जाता है कुछ भी, तो भी वो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बिजनेस एक अलग यूनिट है और बिजनेसमैन एक अलग यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट। पुरानी डेफिनेशंस में मैंने आपको समझा दिया था मनी मेजरमेंट के बारे में। ओनली सच ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, यानी केवल उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिनको आप मनी में मेजर्ड कर सकते हैं। केवल क्वांटिटी वाली, क्वालिटी को हम कंसिडर नहीं करते, यानी कि अगर कोई बात मनी में मेजर नहीं हो सकती, यानी कि हम उसे पैसों में कंसिडर नहीं कर सकते, पैसों में तो उसका वैल्यूएशन अगर मनी में नहीं हो सकता तो वो काउंट नहीं हो सकती। जैसे हम इसको वहां पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस के थ्रू, तो केवल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ही रिकॉर्ड होंगी, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शंस को अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले ये जरूरी है कि इट शुड बी वैल्यूड इन मनी, उसके बाद ही हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जैसे हम बता रहे थे कि भाई यहाँ पर भी गोइंग कंसर्न कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ठीक है बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। क्लोज मतलब कि आपको इसलिए क्लोज करना है जिससे कि आप ये जान सकें कि इस पूरे ड्यूरेशन में आपने क्या अर्न किया, या आपको कोई लॉस हुआ है तो, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी कि आपकी असेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, यानी कि आपको यदि अपनी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो एक बार अकाउंट को क्लोज करना है। तो दैट मींस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अकाउंट को क्लोज करना होता है। वो टाइम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, बिजनेस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अकाउंट को क्लोज करना होगा। कुछ लोग 3 महीने में करते हैं, कुछ 6 महीने में करते हैं, कुछ साल भर में करते हैं, दैट बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट को कोई अपनी टैक्स डिटेल चाहिए होती है, इनकम टैक्स इनकम पर बेस्ड होता है, तो इनकम जब तक नहीं निकालेंगे तो इनकम टैक्स कैसे देंगे। तो सभी चीजें जो बेस्ड है वो इस पर है कि भाई अकाउंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको क्लोज करना है। तो इस तरह से अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा कि पर्टिकुलर टाइम बाद अकाउंट्स को आप क्लोज करेंगे और उनको पूरी तरह से वैल्यू करके कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया या आपको लॉस हुआ और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उस डेट पर क्या है। इसी सेंस में हम थोड़ा नीचे चले हैं, फुल डिस्क्लोजर। अभी फुल डिस्क्लोजर क्या है, भाई जब हम अकाउंट्स को बना रहे हैं, डिटेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए कि वो हमें बिजनेस की सही पिक्चर शो कर सके। यानी कि फुल डिस्क्लोज, यानी कि जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की सभी इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंटिंग स्टाइल में निकल कर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ इंफॉर्मेशन को हम एस्केप कर दें, तो एस्केप नहीं कर सकते हैं, हमें वो इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंटिंग सिस्टम से आनी ही चाहिए। यानी जो भी इंफॉर्मेशन एक अकाउंट्स के थ्रू आनी चाहिए वो सभी पूरी तरीके से इससे आनी चाहिए। यानी कि आप मेरा मीनिंग को समझ रहे होंगे, फुल डिस्क्लोजर मतलब लीगली कंसेप्ट को पूरा करना है, यानी कि हर इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर थ्रू अकाउंट्स। एक है मैटेरियलिटी, मेटीरियल। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है, जनरली तो हम मेटीरियल गुड्स को कहते हैं, मेटीरियल है मेरे घर का पड़ा मेटीरियल, वो मेटीरियल मेटीरियल। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें, मेटीरियलिटी यानी मेटीरियल, ये लॉ से आया हुआ वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होती है, इट इज द मेटीरियल फैक्ट, मेटीरियल फैक्ट यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहां पर भी अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो हमें बताता है मैटेरियलिटी के बारे में। मैटेरियलिटी यानी इंपॉर्टेंट, यानी कि हम केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे जो इंपॉर्टेंस देने लायक है। देखिए कुछ चीजें अनप्रैक्टिकल होती है, कुछ चीजें अनप्रैक्टिकल होती है, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे आप एक जनरल बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम उस जर्नल बिजनेस में हमने कहा जैसे 1 ईयर के बाद हमने अकाउंट क्लोज करा,
तो अकाउंट क्लोज करने के बाद अकाउंटेंट देखेगा कि बिजनेस में कुछ पेंसिल्स पड़ी हुई है जो आधी यूज हो गई है, कुछ इरेजर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, कुछ एक आधे स्केल पड़े हुए हैं टूटे साब, तो और जो नोटबुक्स हैं हमारी या अकाउंट्स हैं उनमें कुछ पेजेस खाली पड़े हुए हैं, तो अभी क्या क्या लगता है आपको, क्या उनकी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे हम एज एन असेट्स? नहीं नहीं, हम उन्हें एज एन एक्सपेंसेस ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो जो वैल्यू बच रही है उसको रिकॉर्ड करना प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। अकाउंट्स की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये नहीं है कि वो केवल लॉ पर चल रहा है, नहीं नहीं, वो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो एक सिस्टम में होना चाहिए वो केवल उसी को शो करता है। तो अकाउंट्स यानी कॉमर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि पढ़ रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में हमेशा 24 घंटे हमारे इस्तेमाल में आता है। तो मैं मैटरनिटी के लिए बता रहा था, ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट विल बी रिकॉर्डेड, अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और यही बात अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग भी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 100-200 रुपए तक की चीज को भी, ठीक है, इमेटेरियल मान लें, वो कहेंगे ये मेटेरियल है ही नहीं, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है ही नहीं, तो जरूरी नहीं है। अब ये कई चीजें हो सकती है, अब मैं कोई यहां से चंद्रमा की दूरी हम नाम है तो भैया उस पर सैकड़ों किलोमीटर इग्नोर कर दिए जाएंगे, तो डिपेंड करता है। और मैं ये कहने लगूं कि डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में, तो भैया वहां पर कुछ मीटर्स आप इग्नोर कर देंगे, तो यहां पर ध्यान देना है ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। कंजर्वेटिज्म, नाम सुना है कभी? कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी, पुराने विचारों वाले, रूढ़िवादी फैमिली, पुराने विचारों वाली फैमिली, ओल्ड फैशन फैमिली कहते हैं लोग, जो तुम्हें देखा होगा कभी कभी गाँव में लोग अपने बच्चों को संभाले रखते हैं, बेटियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, क्या क्या कंसेप्ट है वो, क्या बड़े कंजर्वेटिव है, बड़े पुरानी सोच है, तो अकाउंट में भी पुरानी सोच फॉलो करती है। तो कंजर्वेटिज्म जो हमें बताता है वो ये बताता है कि पुरानी सोच को हम कंसीडर करते हुए अकाउंट में लेकर जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे मॉडर्न स्टाइल से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कंजर्वेटिज्म जो कंसेप्ट चलता हुआ रहा है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो कंजर्वेटिज्म में आप कई चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट बताया था, बाकी जो इसका सही कंसेप्ट यह है कि सपोज करो नियर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, आज तो नहीं होना, फ्यूचर में होगा, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे, इसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो प्रॉफिट हमें फ्यूचर में होगा उसको तो हम यूज कर लेंगे, प्रॉफिट से हम नहीं डरते। लेकिन यदि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, ये हमें क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए आज ही से प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, यानी अकाउंट में उसके लिए रिजर्व बनाना चालू कर देंगे। यानी एक सिस्टम, हमारे बात को अगर हम समझें कि जो कंजर्वेटिज्म यानी पुरानी विचार, जबकि नया विचार क्या कहता है भाई, जो प्रॉफिट होगा उसे भी कंसिडर कीजिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट की सही अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। तो बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं थोड़ा ही समझाऊंगा आपको, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा। कॉस्ट, एक है कॉस्ट कंसेप्ट, देखिए इन सब का कंसेप्ट और लिखा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, मैटरनिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कंसेप्ट, अब है कॉस्ट। कॉस्ट लागत, यानी किसी भी असेट्स को जब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए हम उसकी वो वैल्यू कंसीडर करते हैं जितने रुपए में हमने उसको एक्वायर किया है। एक्वायर किया है उसको खरीदने की कॉस्ट प्लस उस पर होने वाला खर्चा, यानी कि हम उसकी केवल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट में यहां पर है, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। इसमें केवल असेट्स की वो कॉस्ट ही काउंट होती है जितने में हमने उसे परचेज किया है या एक्वायर किया है, प्लस वो सभी एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं जो उस असेट्स को एक्वायर यानी प्राप्त करने में हमें खर्च करने पड़े, लेकिन प्राइस चेंजेस को हम इसमें कंसिडर नहीं करते। इसके बाद है ड्यूल एस्पेक्ट, इससे पहले है मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग, मैच करना है, मैच करना है, क्या मैच करना है, इनकम और
खर्चों को, यानी कि यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि किस इनकम से रिलेटेड कौन सा खर्चा है। देखिए कुछ इनकम ऐसे हैं जो एडवांस में नहीं है, या ऐसा हो सकता है आउटस्टैंडिंग हो, खर्चे भी ऐसे ही हो सकते हैं, कुछ एडवांस दे दिए कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर हमें मैच करना है कि यदि कोई इनकम हुई है तो कितनी हुई है, तो उस इनकम पर जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें यह मैच करना है कि उसी इनकम के पीरियड में कितना खर्चा हुआ। एक्सपेंसेस तो आपको पूरे साल करना है, लेकिन जब हमने जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेल्स की हमने फरवरी में पैसा मिला उसका हमें मार्च में, तो ये रेवेन्यू कभी कंसिडर की जाएगी, रेवेन्यू भी फरवरी की ही कंसिडर की जाएगी। तो अब जो एक्सपेंसेस उस सेल्स पर हुए हैं, जो एक्सपेंसेस उस सेल्स पर हुए हैं, चाहे वो आपने कभी भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कंसिडर किस पर किए जाएंगे, उसी इनकम पर। तो ये मैच करना है कि कौन से खर्चे कौन सी इनकम के लिए किए गए हैं, मैचिंग कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, कुछ भी पढ़ना है मत पढ़ना, लेकिन ये जो हमारा प्रिंसिपल्स हैं इनको इतने अच्छे तरीके से लर्न करना है आपको, क्योंकि यही आपकी क्वालिटी को आगे बताएंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। इसके बाद है ड्यूअल एस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी कि हम जो अकाउंट्स पढ़ते हैं वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, सॉरी डबल एंट्री सिस्टम, नॉट अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में देखता है, यानी कि एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, यानी कि एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, पहलू कोई होता है ना, हेड भी है टेल भी है। ऐसे ही बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे उसके भी दो पहलू होंगे, दो एस्पेक्ट्स होंगे, यानी ड्यूल एस्पेक्ट्स होंगे। यदि कोई रिसीवर है तो कोई गिवर भी होगा, कोई परचेज कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा होगा। कहने का मतलब है हर ट्रांजेक्शन यदि उसमें डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा, इसी तरह से वाइस वर्सा, क्रेडिट है तो डेबिट भी होगा, यानी कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट एक्सप्लेन दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स लाइक द कॉइन, लाइक द कॉइन एज हेड एंड टेल, सेम इन अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट है मेरे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये बिल्कुल मैचिंग जैसा ही था, मैचिंग में इनकम को एक्सपेंसेस के साथ मैच कर रहे थे, यानी एक्सपेंसेस और इनकम दोनों मैच कर रहे थे कि कौन सा खर्चा हमारी किस रेवेन्यू से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर केवल रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि रेवेन्यू यानी कि मेरी जो इनकम है वो कौन से पीरियड की है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फरवरी में मैंने सेल की और पैसा मिला मार्च में, तो वो रेवेन्यू तो की है फरवरी की। इस तरीके से हमें कंसीडर करना है, यानी कि मुझे लगता है कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। तीन मैंने यहां लिख के आपको, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और एक्रुअल अजम्पशन, जबकि कंसेप्ट मैंने आपको लिख के 10 पॉइंट, इनको जनरली हम इस तरह से भी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डायरेक्टली कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड डिस्क्लोजर, तो इस तरह से 10 है। आप इनको प्रॉपर तरीके से वीडियो को पॉज पॉज कर करके बार बार समझिए और देखिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को दबाएं, जिससे कि मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं जिससे कि आपको ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो।